भजन में मां के लिए गाता हूं, मां मां वो धरोहर है जो दोबारा नहीं मिलती। और जो लोग अपने मां बाप की बेइज्जती करते हैं, सावधान, औलाद तैयार हो रही है, जब वो बेइज्जती करेगी तब कैसा लगेगा। तो आइए, जो अपनी मम्मी से प्यार करते हैं, मम्मा से प्यार करते हैं, दोनों हाथ उठाइए उस मां के लिए, क्योंकि मां से बेटी का जो रिश्ता होता है वो दोस्ती का रिश्ता होता है। जो बात बेटी अपनी मां से कह देगी, अपने किसी भाई बहन से नहीं कह सकती। दुख दर्द सुनिएगा, एक बार दोनों हाथ उठाइए अपनी अपनी मम्मा के लिए। चाहे देखिए, वो भी हाथ उठाएंगे जिनकी मां भगवान जी के घर है, और वो भी याद करेंगे जिनकी मां भी है। दोनों हाथ उठाइए और जयकार लगाइए। जयकारा जन्म देने वाली माई का साचे दरबार की जय। हो भाई, साउंड का जवाब नहीं, एक बार जोरदार तालियां साउंड के लिए। जो है वो है। ओ माँ, सुनिए मां की दुआ। मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, इसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। वक्त पड़ जाए घर घर बर्तन मांझ के, चार बेटे पाल लेती है मां। बीवी आने के बाद चार बच्चों पे एक मां पाली नहीं जाती, एक मां पाली नहीं जाती। दुत्कारते हैं, पता नहीं कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे, पता नहीं कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे। कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे। आज तो नींद की टैबलेट, आज तो नींद की गोलियां भी खा के जागते हैं हम। पहले तो एक मां की लोरी में ही सो जाते हैं। एक नया शेर सुनिएगा। मीठी है जुबान, मीठी है जुबान, मगर दिल में जहर रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दोहरा हुनर रखते हैं। कल तक माँ बाप बच्चों पे नजर रखते थे, आजकल बच्चे माँ बाप पे नजर रखते हैं। मतलब की प्रीत तुमको, मतलब की प्रीत तुमको संसार में मिलेगी, पैसे की प्रीत खुद के परिवार में मिलेगी। प्यार तो मिलेगा बहन भाइयों से, ममता तो सिर्फ मां के प्यार में मिलेगी, ममता तो सिर्फ मां के प्यार में मिलेगी। आइए सुनिएगा साइलेंट होकर के। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, ले ले बाकी दुआएं तेरे काम आएगी, ले बाकी दुआएं तेरे काम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, जीवन में खुशियां तमाम आएगी, ले ले बाकी दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले बाकी दुआएं तेरे काम आएगी। एक बार दोनों हाथ उठाओ, ताली मत बजाना। जिनकी माँ भगवान के घर है वो भी याद करेंगे, जिनकी है वो भी याद करेंगे। ये भाव आए तो आने देना, दिल से बोलिए माँ, ओ माँ, माँ प्यारी माँ, एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलेंगे। माता है जन्म
जन्म दाता माता ही जग चलाए, माता है जन्म दाता माता ही जग चलाए, होता है जब अंधेरा मां रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा मां रोशनी दिखाए, उपकार हम पे मां का कैसे चुकाया जाए, उपकार हम पे मां का कैसे चुकाया जाए, नौ महीने हमको रखा पैया ने दुख उठाए, पैया ने दुख उठाए, पैया ने दुख उठाए, कलेजे को संभाल के सुनना क्या होता है मां का दिल, ये है मां की ममता, ये है मां की ममता, ये है मां की ममता, ये है मां की ममता। देखो मैंने बड़े बूढ़ों को रोते हुए बहुत देखा है, मगर बच्चों के आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये मां के प्रति सम्मान है, ये है मां की ममता, 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 ये है मां की ममता। शांति से सुनो मोहित भाई, लाला जी मां की ममता, आप ही बिजनेसमैन है, आप ही बिजनेसमैन है, जब कोई परदेश जाता है बेटा, कहां जाता है परदेश, एक एक शब्द सुनना, थोड़ा गेंद दे दो इसका, जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का, जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का, लाला जी सुनो, शुरू दौर होता है फरमाइशों का, छोटा भैया कहता है मेरे लिए बढ़िया सी गाड़ी लाना, बीवी कहती है जा रहे हो परदेश तो मेरे लिए भी साड़ी लाना, लाना, मगर मां क्या कहती है, मगर मां ये कहती है कुछ भी ना लाए मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, कम कर दो अब इसका ईगो कम कर दो, एक चमत्कार सुनाऊं मैया का, 3 मिनट का है, कौन कौन सुनना चाहेगा, मगर ताली मत बजाना नहीं तो भाव निकल जाएगा। राजस्थान जिला करौली, पहले हिंडौन में था, वहां कैला देवी का बहुत बड़ा दरबार है, कोई गया है आप में से, आज से 88 साल पहले यह घटना घटी है, सुनो, 2 साल का बच्चा एक मां घुमाने के लिए ले गई मेला, चैत के महीने में लगता है मालूम होगा, उसके संग क्या हादसा हुआ सुनिए, मोहित भाई सुनना इसको ध्यान से, भाव आ जाएंगे, जय करा कैला माई का भोसाचे दरबार की जय, जय करा चामुंडा माई का भोसाचे दरबार की जय, हो नामरा बलवीर की जय। ध्यान से सुनना, करौली गांव में, कौन से गांव में, करौली गांव में मेला लगा हुआ भारी, माँ और बेटे ने की देखने की तैयारी, नीला धोला के अपने बच्चे को सजाया है, नजर ना लग जाए काला टीका लगाया है, बच्चे को गोद लिए, छोटा सा बालक, बच्चे को गोद लिए मैया जब वो चलने लगी, लाल को हंसता देख मामता उमड़ने लगी, मेले में आ गई, जो मांगा बच्चे ने माने उसे दिलाया है, फिर अपने लाडले को
सुनो, उंगली पकड़ के ले जा रही है। मेले में भगदड़ मच गई मोहित भाई, भगदड़ मच गई। हुआ क्या? भीड़ जोरों की थी, भीड़ लाखों की थी, बच्चे का हाथ छूट गया। बस इसी बीच में माता का साथ छूट गया। एक औरत ने उसके बच्चे को चुराया था, बड़ी जालिम थी, उसने घर जाके छुपाया था। अब उस मां से पूछो जिसका बालक चोरी चला गया, हमारा तुम्हारा बच्चा कहीं निकल जाए तो थाने पहुंच जाते। रो रही है, पागल हो गई, पछाड़ खा खा के ढूंढते ढूंढते उस माँ की आंख भर आई। वो बिलखती रोती हुई दुखियारी अपने घर आई। रात दिन रोती रहती थी मैया की मूर्ति के आगे, सूख सूख के आदि हो गई बच्चे की याद में, मगर उसने विश्वास नहीं छोड़ा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हुआ क्या? एक साल बाद मेले में चली, बाद एक साल के फिर वो ही मेला आया है। बच्चे को धूल ने माने कदम बढ़ाया है, बच्चे को धूल ने माने कदम बढ़ाया है, बच्चे को धूल ने माने कदम बढ़ाया है। अब क्या हुआ? इधर असली मां पहुंची, इधर वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी। कौन सी औरत बताओ? जो उसको चुरा के ले गई थी। वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी, जैसे हो अपना बेटा सजा धजा के लाई थी। असली माँ ने पहचान लिया, अपने पति से कहने लगी, बेटा ये हमारा है। छपट कर छील लिया, सोचा ना बेचारा है। अब दोनों में लड़ाई हो गई। नकली मां कहने लगी नूरे नजर मेरा है। असली मां कहने लगी, असली बेटा मेरा है। नकली मां कहने लगी, छोड़ दे मेरा दिल है। असली मां कहने लगी, इसके पीठ पर दिल है। असली मां कहने लगी, इसके पीठ पर दिल है। असली मां कहने लगी, इसके पीठ पर दिल है। इतनी ही देर में होने लगी लड़ाई है, शोरगुल सुन के वहां जल्दी से पुलिस आई है। बच्चा लेकर के पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। तुम अदालत में आओ, दोनों को ये हुक्म दिया। बात कुछ रोज के जब तारीख पड़ी, हजारों लोग इकट्ठा हो गए, क्या फैसला होगा। बात कुछ रोज के जब माता अदालत पहुंची, जो असली मां थी वो बिना वकालत पहुंची। बोलो जय माता की, जय माता की। वहां के जज साहब, बड़े ही विद्वान रहे। फैसला देता हूं साक्षी मेरा भगवान रहे, फैसला देता हूं साक्षी मेरा भगवान रहे, फैसला देता हूं साक्षी मेरा भगवान रहे, फैसला देता हूं साक्षी मेरा भगवान रहे। क्या फैसला हुआ? भरी अदालत में फैसला सुनाया जा रहा है। कहा जज साहब ने, इस बच्चे के टुकड़े कर दो। कौन मां चाहेगी? कोई नहीं चाह सकती। कहा जज साहब ने, इस बच्चे के टुकड़े कर दो, एक तो इसको एक इसकी गोद में रख दो। नकली मां कहने लगी, जल्दी से दो टुकड़े कर दो। असली मां कहने लगी, बांझ की झोली भर दो। असली मां कहने लगी, बांझ की झोली भर दो। असली मां कहने लगी, बांझ की झोली भर दो।
राजा साहब मुझे नहीं चाहिए, इसको दे दिया जाए, नहीं चाहिए, ये मेरा है ही नहीं, मैं तो झूठ बोल रही हूं, सजा मुझको दो, बच्चे को छोड़ दो, दे दो इसे, मुझे इसका गम नहीं, मुझे इसका गम नहीं कि दूर से तारा होगा, मारो ना मेरे बच्चे को एहसान तुम्हारा होगा। इतना सुनते ही अदालत की नींव डोल उठी, उधर जज साहब के हृदय में ममता बोल उठी, बात ही बात में उस जज ने खेल कर डाला, नकली औरत को सात साल जेल कर डाला, माही अपना माही गंगा, माही अपना माही गंगा, माँ से है संसार की भगत ये ही है माँ का प्यार, माता पिता की जिसने सेवा करी है, उसकी तिजोरी देखो खुशी से भरी है, कि सम्मान चाहे तो सम्मान कर ले, तू दुनिया में अपना अमर नाम कर ले, एक दादा एक पोते में प्यार था, वो तो होता ही है, मूल से ज्यादा प्यास प्यारा होता है, ध्यान से सुनना, ताली मत बजाना, मैं ताली ले जाऊंगा जेब में से निकाल के, और राजी राजी गैर राजी। एक दिन दादाजी रो रहे थे कोठरी में, कहां पे, पोता पहुंच गया, दादा क्यों रो रहे हो, ले बेटा इसलिए रो रहा हूं, देख सर्दी पड़ रही है, घर में नए नए कंबल हैं, रजाई हैं, एक ला करके दे दे, मगर उस बच्चे के दिल में खौफ था अपने बाप का, बिना पूछे नहीं ला सकता था, घर में कंबल रजाई थे वो रिश्तेदारों के लिए थे, बाप के लिए नहीं था, तब भी बच्चा कर्रा जिगर करके पहुंच गया, पापा जी दादाजी को सर्दी लग रही है कंबल दे दो, बाजार गया पुराना कंबल ले आया जो कैदियों वाले बिकते हैं, वो लाके बेटे को दे दिया, दादा को दे दे, बच्चे ने क्या किया मालूम है, कैंची निकाली घर में से, उसके दो टुकड़े कर दिए, कितने, एक टुकड़ा दादा को दे दिया, एक अपने स्कूल के बस्ते में छुपा दिया, सुबह हुई उसका बाप उसे स्कूल छोड़ने जाने लगा, वजन भारी देखा और दिन की जगह, बस्ता खोला वो टुकड़ा निकल आया, बच्चे में मार लगाई, क्या पूरा कंबल दिया था आधा क्यों देके आया, बोले डैडी मारोगे तो नहीं, बोले नहीं, बोले आधा टुकड़ा उस दिन के लिए रखा है जिस समय तुम बूढ़े हो जाओगे तुम्हें सर्दी लगेगी, उस दिन ये कंबल का टुकड़ा मैं तुम्हें दूंगा, तो इसलिए कहता हूं कि सम्मान चाहे तो सम्मान कहे बाबूरा मेरी बात खरी है, माता पिता की जिसने सेवा करे है। अब दोनों हाथ उठाई अपनी माँ को मना, अपनी माँ को मना, वो जाएगी ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआ तेरे काम आएगी।